आपने पूरे सिलेंसर को जो अस्तर जो है मुकम्मल तौर पे आपने लगाना है। ये देखें कहीं भी जगह कोई बाकी ना रहे। आहिस्ता आहिस्ता सारे सिलेंसर को आपने मुकम्मल तौर पे 360 नंबर का चैम्पियन का जो अस्तर है वो मुकम्मल तौर पे आपने लगाना है। ये देखें सिलेंसर आपको बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल वाइट हो चुका है। ये देखें जी प्यारे दोस्तों, ये देखो 360 नंबर का ये अस्तर है जो आपने सिलेंसर के ऊपर लगाना है। चैम्पियन का लग रहा है जो अस्तर है, इसको आपने सिलेंसर के ऊपर लगाना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो रेगमार का, उसके बाद जो होता है वो अस्तर का स्टेप होता है। इसी तरह आपने लगाना है जी। सिलेंसर हमारा माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो चुका है। ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने, कैसी लुक है, यह कैसी शाइनिंग है, बिल्कुल जेन्युइन कलर तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अली मॉडिफिकेशन। आज अपने दोस्तों के लिए एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे होंडा एटलस होंडा 125 का सिलेंसर जेन्युइन कलर पेंट कैसे किया जाता है। चैम्पियन कलर में इसको रेडी करेंगे, भट्ठी वाला पेंट इसको लगाएंगे। जो बाज़ुकात भाई पेंट लगाते हैं वो पेंट जल भी जाता है, उस जलने की वजह भी आपको बता देते हैं। ये एटलस होंडा का ये जेन्युइन 2019 मॉडल का ये सिलेंसर है। कंडीशन आपके सामने, मुकम्मल तौर पे इसको हमने जेन्युइन पेंट लगाना है भट्ठी वाला। तो हमने इसको पहले अच्छी तरह मुकम्मल तौर पे जितना रेगमार लगता था, हमने रेगमार की वजह से जितना कलर उतरने वाला था हमने इसको उतार दिया है जी। अब हमारा शुरू होता है काम पेंट वाला, तो मुकम्मल वीडियो को लाजमी लाइक और अच्छा सा कमेंट्स किया करें जी। दोस्तों ये देखिए मुकम्मल तौर पे अभी हम इसको भट्ठी वाला पेंट लगाएंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है इसको लगाने वाला, ये देखिए 360 नंबर का अस्तर है, ये चैम्पियन कलर का, इसके ऊपर लगाएंगे मुकम्मल तौर पे। ये पुट करेंगे 360 नंबर का। ये देखिए चैम्पियन के अलावा ये डीको कलर में भी तैयार हो जाता है, मगर वो डीको कलर जो है वो जल जाता है भाई। जितना आप बाइक को, जितना सिलेंसर गर्म होता है, वो गर्म होने की वजह से सारे का सारा कलर जो है बैंड के नीचे से ये जलना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही कम दिनों में ये बहुत जल जाता है और सिलेंसर हमारा बिल्कुल बेकार होना शुरू हो जाता है। तो चैम्पियन कलर भाई ये जलता नहीं है, जितना आप इसके ऊपर अच्छी सफाई लगा लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो जितना हमने रेगमार लगाया है मुकम्मल तौर पे, जितना भी इसके ऊपर पहले वाला कलर लगा हुआ था सारे का सारा रिमूव हो चुका है। जो कलर रह गया है वो उसकी बेस अच्छी है, वो उतरने वाला नहीं है, तो हमने उसको नहीं उतारा। इसी तरह हमने 320 नंबर के रेगमार से उसको बिल्कुल रफ़ कर दिया। रफ़ करने के बाद जो हमारा स्टेप है, ये देखें 360 नंबर का इसके ऊपर अस्तर लगाएंगे। अस्तर लगाने के बाद इसे अच्छी तरह खुशक करेंगे। खुशक करने के बाद जो हमारा स्टेप होगा वो पेंट का होगा। ये देखें अस्तर को आपने कोई भी पेंट, जब भी आपने कोई भी पेंट लगाना हो तो अच्छे कपड़े से, ब्रीक मलमल के कपड़े से, या कोई अच्छे फिल्टर वाला कपड़ा ले लें, उससे कलर को जो भी आप कलर लगाना चाहते हैं उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। घर में डालने से पहले उसको अच्छी तरह साफ़ करें तो आपका रिज़ल्ट माशाल्लाह बिल्कुल ओके आएगा। बाद घर ऐसे होता है कि कलर लगाने से पहले गन में जो कचरा होता है वो भी पेंट में मिक्स हो जाता है। ये देखें भाई स्टेप हमारा शुरू हो गया है पेंट वाला। ये देखें 360 नंबर का अस्तर अभी हम इसके ऊपर सारे के ऊपर इसी तरह लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे फूल टैंक के ऊपर अस्तर लगाया जाता है इसी तरह आपने भी इसके ऊपर अस्तर लगाना है। अगर आपके पास भट्टी वाला ऑप्शन है, भट्टी की फिलो तो मौजूद है, तो आप चैम्पियन कलर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डीको के पेंट में भी इसे तैयार कर सकते हैं, मगर डीको की पेंट की कोई गारंटी नहीं है कि भाई जलना जलेगा नहीं जलेगा, वो ज़रूर जलेगा, वो जल जाता है। जो चैम्पियन का पेंट है, भट्टी वाले पेंट हैं, जलते नहीं है बिल्कुल। ये कंपनी भी यही पेंट लगाती है। ये देखें भाई ने मुकम्मल तौर पे हमने इसको अच्छी तरह बिल्कुल साफ़, बिल्कुल देखें सफ़ेद हो चुका है। 360 नंबर का अस्तर जो लगाया है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये देखें मुकम्मल सिलेंसर को हमने इसी तरह नीचे से ऊपर, कोई जगह भी बाकी ना रहे जहाँ पर अस्तर ना लगा हो। इसी तरह मुकम्मल तौर पे आपने सारे सिलेंसर को अस्तर लगा लेना है और बाद में उसे खुशक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रही और आप हमारे चैनल से मुस्तफ़ी हो सकें। मॉडिफिकेशन के हवाले से, किसी भी किस्म के हवाले से, आपको बाइक के हवाले से काम करवाना हो तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं जी। दोस्तों अब हमारा स्टेप शुरू होता है 379 नंबर जो चैम्पियन का है, मैट ब्लैक कलर है। ये देखें मैट ब्लैक है, बिल्कुल ओके कलर है। ये कलर को आपने अच्छी तरह इसी तरह मिक्स करना है। ये बिल्कुल न्यू क्वार्टर है, हमने बिल्कुल पहले इससे यूज़ नहीं किया, इसे अब खोलेंगे। खोलने से पहले आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। बाज़ अवकात ऐसे होता है कि कलर नीचे होता है और जो इसके अंदर केमिकल मिक्स किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, वो बाज़ अवकात ऊपर आ जाते हैं।
तो इसी तरह आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करके तो बाद में खोलना है। खोल के जितनी आपको मकदार में सलेंसर के हिसाब से जितना आपको पेंट चाहिए उतना आपने पेंट निकाल लेना है। तो आप इसके ऊपर 2K का थिनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, और खुला थिनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे ये मैट ब्लैक पेंट होता है, इसके ऊपर आपने कभी भी लैकर नहीं लगाना। लैकर वाला जो पेंट होता है वो और होता है, अगर इसके ऊपर आप पेंट लगाएं तो ये शाइन में आ जाएगा, ये मैट नहीं रहेगा। जैसे कंपनी पेंट लगाती है ये वैसे का वैसा नज़र नहीं आने वाला। ये देखें जितनी मकदार में हमें पेंट चाहिए तो हमें ये देखें मुकम्मल तौर पर उतना पेंट निकाल ही है। अब बारी आती है पेंट लगाने की। हमारा सलेंसर पहले जो हमने अस्तर लगाया था बिल्कुल वो खुश्क हो चुका है, इसी तरह हमने मुकम्मल तौर पर आहिस्ता आहिस्ता पूरे सलेंसर को बिल्कुल ब्लैक करते जाना है। ये देखें मुकम्मल एकदम से आपने गन को कहीं भी नहीं रोकना, इसी तरह आपने हल्का हल्का हाथ को घुमाते जाना है और अच्छी तरह आपने पेंट लगाना है। ये देखें कहीं भी आपने हाथ को नहीं रोकना, और जितना आपको पेंट की मकदार के हिसाब से गन में डालकर उसी हिसाब से आपने पेंट लगाते जाना है। ये देखें सलेंसर की कंडीशन आपको चेंज होती हुई नज़र आ रही होगी वीडियो में आप देख रहे हैं। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक और अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कर दें, इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है। तो वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। हमारी लोकेशन है अड्डा झंडियाली बंगला तहसील मियाँ चन्नू ज़िला खानीवाल। किसी भी मॉडिफिकेशन के हवाले से बाइक के हवाले से काम करवाना चाहते हो तो आप हमें सामान भी TCS भेज सकते हैं, गाड़ी की सूरत मौजूद है, आप गाड़ी पर भी सामान हमें भेज सकते हैं। बाइक की मॉडिफिकेशन के हवाले से अगर कोई मालूमात चाहिए तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा व्हाट्सअप का, इसी नंबर पर आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अच्छा सा कमेंट्स और प्यारा सा कमेंट्स किया करेंगे भाई जान, मुकम्मल वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। जी दोस्तों ये देखें मुकम्मल तौर पे सलेंसर हमारा बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ओके पेंट हो रहा है। ये देखें इसी तरह आपने भी स्टेप बाय स्टेप सारे सामान को, अगर आपके पास कोई मैट ब्लैक वाले टैंकी टॉप आए हैं उसके ऊपर भी ये पेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सलेंसर पे इस्तेमाल होता है, और टैबड कवर 125 का जो होता है, 125 का टैबड कवर होता है, उसके ऊपर भी ये मैट ब्लैक ही इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें सलेंसर माशाल्लाह बिल्कुल हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, शाइनिंग आपके सामने है, रिजल्ट इसका सामने है। ये इसी तरह अभी ऐसा ऐसा खुशक हो जाएगा, ये बाहर ही खुशक हो जाएगा। आपने ये देखना है कि भाई इसको भट्टी में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो मगर ये बाहर जितना खुशक होगा समझ लो कि ये अभी गीला है। आपने इसको 150 दर्जा हरारत के हिसाब से भट्टी में पकाना है तकरीबन 45 से 60 मिनट के वक्फे के साथ, 45 या 60 मिनट का आपने इसके ऊपर जो है वो गैस चलानी है। इसको भट्टी में रखेंगे और 150 के दर्जा हरारत के हिसाब से इसको सलेंसर को पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सलेंसर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, कलर आपके सामने है, जैसा जेन्युइन पेंट होता है वही हमने पेंट चैंपियन का इसके ऊपर यूज़ किया है। ये देखें हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा इसमें सफ़ेदी भी, और जैसे मैट मैट सा जो कलर होता है पाउडर पेंट जैसे होता है जेन्युइन में लगा हुआ, वही चीज़ आपके सामने है। ये देखें मुकम्मल हमारा सलेंसर बिल्कुल ओके हो चुका है, माशाल्लाह बिल्कुल ओके है। अब ये खुशक होने देंगे भट्टी में, भट्टी से निकालने के बाद ये देखें भाइयों मुकम्मल ओके हो चुका है सलेंसर, अभी हम इसको उतार लेंगे। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह ओके हो चुका है, खुश्क भी हो चुका है बिल्कुल सलेंसर, अब ये गीला नहीं है। इसका कलर आपके सामने है, पहले कलर कैसा था अब इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर ऐसा काम आप भी करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अली मॉडिफिकेशन अड्डा झंडियाली बंगला तहसील मियाँ चन्नू ज़िला खानीवाल। किसी भी मॉडिफिकेशन के हवाले से आपको मालूम चाहिए तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सलेंसर माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो चुका है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखना, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह निगहबान, अली मॉडिफिकेशन झंडियाली बंगला।